तो भाई पिक्सल 3 और 3 एक्सेल की लीक इमेजेस, उसकी रूमर स्पेसिफिकेशन इंटरनेट पे बिल्कुल भर भर के आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी रियल स्पेसिफिकेशन, उसकी रियल इमेजेस और उसकी जो प्राइस, स्पेशली इंडिया के अंदर उसका क्या प्राइस होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सिर्फ एक बटन दबाना होगा, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस करना होगा और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिक्सल 3 और 3 एक्सेल के रिलीजिंग डेट के बारे में। तो ये 7 मई को रिलीज होने वाला है, गूगल आयो के अंदर इसको रिलीज करने वाले हैं, और इसकी जो एक ऑफिशियल रेंडर इमेज जो है दोनों डिवाइसेस की सामने आ चुकी है। ये एंड्रॉइड हेडलाइन की तरफ से ये इमेज जो है इंटरनेट पे डाली गई है, और ये इमेज बोल रहा है ऐसा कि ये बिल्कुल रियल इमेजेस हैं। और अगर आप इमेजेस को देख रहे हैं तो ये इसमें आपको कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, दोनों सेम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें कुछ मेजर स्पेसिफिकेशन चेंजेस हैं, उसके साथ साथ इसका डिस्प्ले चेंजेस है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको गूगल पिक्सल ए में आपको मिल जाएगा डिस्प्ले 5.7 इंच का, इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा। और अगर 3 एक्सेल की बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगा 6 इंच का डिस्प्ले। और अगर मैं इसकी स्नैपड्रैगन की बात करूँ तो पिक्सल 3 में आपको 610 का स्नैपड्रैगन मिल जाएगा, और पिक्सल 3 एक्सेल में आपको 710 का चिपसेट मिल जाएगा। तो भाई स्नैपड्रैगन या चिपसेट की बात करूँ तो बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके इंटरनल स्टोरेज और इसकी रैम वैम की बात करूँ तो इसमें आपको 4 GB की रैम और 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ ये आपको मिलेगा। तो ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में आने वाला है, इसमें आपको और भी ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं इसके कैमरा सैंपल की, जो इसका कैमरा सैंपल जो है वो भी सामने निकल के आ गया है। ये इमेजेस जो आप देख रहे हैं वो पिक्सल 3 एक्सेल के थ्रू लिए गए हैं, और ये जो इमेजेस है बिल्कुल रियल है। अगर आप इसकी इसकी जो इमेज क्वालिटी देखते हैं वो काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर फोन जो बजट सेगमेंट में आते हैं, उसके हिसाब से जो है इसका कैमरा बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिक्सल जो है वो कैमरे के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर जो गूगल के सॉफ्टवेयर होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कैमरे के मामले में कि वो पिक्चर की क्वालिटी जो है काफी अच्छी कर देते हैं। तो इस तरीके की आपको जो है कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की, तो इसमें जो है पिक्सल 3 में आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और पिक्सल 3 एक्सेल में आपको 3430 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। तो बैटरी में भी जो है थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ इसके ऑफिशियल प्राइस के बारे में। तो इसकी जो प्राइस है वो 15,000 से 20,000 रुपये तक में होने वाली है इंडिया के अंदर, अगर मैं सिर्फ बात करूँ पिक्सल 3A के बारे में। क्योंकि जो पिक्सल 3 में स्नैपड्रैगन 610 मिल रहा है, तो उसकी जो कीमत है वो 15,000 से 20,000 रुपये ही होती है, तो इसकी जो प्राइस होने वाली है सिर्फ इतनी ही होने वाली है। अगर थोड़ी बहुत और प्राइस हाई होती है तो उसकी कैमरा क्वालिटी के कारण इसकी प्राइस हाई होगी, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पे गूगल के पास कि इसका प्राइस जो है वो हाई रखे। पर अगर मैं बात करूँ पिक्सल 3 एक्सेल की प्राइस के बारे में, तो वो 20,000 से ऊपर की ही होने वाली है। तो वो जो प्राइस की बात है वो पूरी क्लियर हो जाएगी 7 मई को, क्योंकि जो 7 मई को इसकी रिलीजिंग डेट है गूगल आयो में। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ बजट फोन्स के बारे में, तो भाई बजट फोन जो है बड़ी बड़ी कंपनीज भी अब मजबूर हो गई है बजट फोन बनाने के लिए, क्योंकि बजट फोन का जमाना आ चुका है, ट्रेंड चल चुका है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग हुई, उसने भी एम सीरीज बना के बिल्कुल बजट में इस गुड स्पेसिफिकेशन के साथ ऑनलाइन जो है उसका सेल स्टार्ट कर दिया था। उसी की तरह अब गूगल की बारी आ गई है, कुछ दिनों बाद एप्पल भी जो है वो बजट फोन बनाने को मजबूर सा हो जाएगा। तो भाई बजट फोन का जो है ट्रेंड आ चुका है, अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आप लोग ये जो फोन है वो खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। मेरे हिसाब से ये फोन जो है बहुत अच्छा होने वाला है, तो इस फोन का वेट करते हैं 7 मई तक, और इसकी जो बाकी की और भी स्पेसिफिकेशन है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।